आदमी पार्टी के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ शराब घोटाले में ईडी द्वारा जांच की आंच सीएम अरविंद केजरीवाल के करीब आती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के एक मंत्री के ठिकानों पर ईडी को छापे में कई लाख रुपए कैश और डिजिटल सबूत मिले हैं। इसके साथ ही ईडी ने केजरीवाल सरकार के मंत्री पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केजरीवाल सरकार की कैबिनेट में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद की, जिनके आवास और अन्य 12 ठिकानों पर 2 नवंबर को ईडी द्वारा 22 घंटे तक रेड हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब ईडी ने इस पूरी रेड को लेकर सोशल मीडिया हैंडल लैक्स पर पोस्ट किया। अब ईडी ने अपने दावे में क्या कुछ बताया और राजकुमार आनंद पर क्या आरोप लगाए, वो आपको बताते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 नवंबर सुबह तक दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के आवास को खंगालने के बाद शाम को एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने राजकुमार आनंद पर हवाला के जरिए पैसे चीन भेजने और आयात पर 7 करोड़ रुपए के सीमा शुल्क की चोरी का आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इसी मामले में ये छापे मारे गए थे। ईडी का कहना है कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की विभिन्न धाराओं में अपराध के लिए DRI की शिकायत के आधार पर राजकुमार आनंद और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की है। इसके साथ ही ईडी ने यह भी बताया कि एक स्थानीय अदालत ने 11 अगस्त को अपराध का संज्ञान लिया था। ईडी ने अपने पोस्ट में दावा किया कि उसने तलाशी अभियान के दौरान 74 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। इसके अलावा अन्य दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ मंत्री राजकुमार आनंद के कर्मचारियों से 2023 के दौरान चीन भेजे गए बेहिसाब व्यापारिक निवेश और हवाला भुगतान से संबंधित सबूत भी जब्त किए गए हैं। हालांकि राजकुमार आनंद की तरफ से भी इस रेड के बाद एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस पूरी रेड को न सिर्फ राजनीति से प्रेरित बताया बल्कि केंद्र पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। रेड चलती रही, रेड तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का, और ऐसा कुछ खास था नहीं, सिर्फ घर को बुरी तरह से इन्होंने तलाशी ली जिसमें इनको कुछ मिला नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि ये प्रायोजित थी सारी की सारी, ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है, और उस चक्कर में इन्होंने टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवालात जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो आज से 18-20 साल पुराना कोई मामला था। जब मैं बिजनेस किया करता था, मैंने बिजनेस छोड़ दिया था 2005 में, और उस टाइम का कोई मामला था और वो भी सेटल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया था कि जो DRI है वो DRI इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑफिसर, तो ये केस ख़त्म भी हो गया था। और उसके बाद फिर दोबारा से DRI कोर्ट चली गई, वो सब चल रहा है, लेकिन सब जूडिस केस जो होते हैं उसमें ईडी कहाँ से आ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है उस केस में, ईडी का इसमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन ईडी का आने का मतलब कुछ और ही इशारा है। ऊपर से ही आदेश हो तो हर चीज़ में कहते हैं कि ऊपर से हमें जैसा आदेश है वैसा करेंगे, सर हमें कोऑपरेट करो। सर आम आदमी पार्टी का अब ऊपर वाला कौन है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर से आदेश है ये पता है। सर सीएम साहब को भी उन्होंने नोटिस दिया, फिर अब आपके ऊपर आम आदमी पार्टी का स्टैंड अब आगे क्या रहेगा? ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि काम की राजनीति करने वाला कोई ना बचे और सच की आवाज उठाने वाला कोई ना बचे, संविधान पर चलने वाली पार्टियां ना बचे, ताकि कुछ पार्टियां अपनी मनमानी करती रहे।
वैसे आपको बता दें, इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस ईडी के बीच तनाव का तापमान बहुत बड़ा हुआ है। हो भी क्यों ना, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहले ही ईडी के केस में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं भी कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। ऐसे में केजरीवाल के एक और मंत्री अब ईडी के रडार पर है, जिससे आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ना लाजमी है। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।